अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये मैंने कीकर का पौधा बीच से लगाया था। ये दरख्त बन जाता है उस पर, लेकिन अब मैंने तो इसको कंटेनर में लगाया, लेकिन अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ किसी और जगह पे लगाने के लिए। इसको भी यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, उसको मैं ज़मीन में लगाऊँगा कहीं। इसकी जड़ें भी काफ़ी ये देखें फ्रेंड्स, कीकर का पौधा काफ़ी बड़ा हो गया। इसको ज़मीन में लगाऊंगा अभी फ़िलहाल। मैं इसको इसका अप में लगाता हूँ, बाद में मैं से किसी मुनासिब जगह पर जाकर ज़मीन में लगाऊंगा, क्योंकि ये दरख्त है और दरख्त तो घरों में नहीं उगते। और मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, क्योंकि ये वज़नी, अगर ये मैं लगाऊंगा भी तो ये बड़ा होकर वज़न, छत पे वज़न डालेगा। इसी तरह और भी पौधे हैं, ये आम के पौधे हैं, इनको भी ट्रांसफ़र करना है। ये भी दरख्त बन जाते हैं, उनको मैं बाद में करूँगा, फ़िलहाल इसको इसके अंदर ही रख देता हूँ और ये पानी दे देता हूँ उसे। ये देखें, ये भी पोटिंग मिक्स मैं तैयार कर रहा हूँ पौधों के लिए, खिले के छिलके जो भी मैं किचन वेस्ट होती है इसमें डाल रहा हूँ, और ये खाद ऑर्गेनिक तैयार हो रही है। ये भी मैं बाद में अपने पौधों में इस्तेमाल करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये पौधा अब मैं कहीं ज़मीन में लगाऊंगा, क्योंकि हमारे मुल्क में अब ख़ास तौर पर हमारे शहर लाहौर में पोल्यूशन बहुत बढ़ रही है, और जो माहौल चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, उसकी वजह से हर बंदे को चाहिए कि वो एक दरख्त ज़रूर लगाए, ताकि हमें ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर भी कंट्रोल किया जा सके, और वो हम पौधे लगा के ही हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने ज़िंदगी में एक पौधा ज़रूर लगाएं और अपने मुल्क की खिदमत करें और अपने बच्चों के लिए ऑक्सीजन का इंतज़ाम करें। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।